हेलो भाई, मैं हूँ गौरव और आज हम अपनी इग्निस के सस्पेंशन के बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी लोगों ने मुझे कमेंट करके ये बोला था कि आप सस्पेंशन पे भी वीडियो बनाओ। तो मैं एक बार सस्पेंशन की भी वीडियो बना के आप सभी को बता देता हूँ। तो जैसा कि पहले था कि भाई मारुति ने पहले जो इग्निस निकाल रखी थी वो मैंने यूज़ की नहीं थी, तो मुझे इतना खास पता नहीं था, लेकिन इस गाड़ी को यूज़ करने के बाद में मैंने इसके सस्पेंशन को भी थोड़ा सा ऑब्जर्व किया है, और उसको ऑब्जर्व करने के बाद में मुझे लगा है कि हाँ, जिस हिसाब से मारुति ने अपनी ये ग्राउंड क्लियरेंस 180 mm का दे रखा है, तो उस हिसाब से उन्होंने जो सस्पेंशन है वो थोड़ा सा क्वाइट स्टिफ रखा हुआ है, और वो स्टिफ रखने का रीज़न भी ये हाइट है, क्योंकि हाइट 180 mm होने के बाद में अगर सस्पेंशन को थोड़ा सा भी लेजी टाइप बना देंगे तो बॉडी रोल आने का खतरा हो जाता है, और बॉडी रोल आने से गाड़ी पलट जाती है, ये सब आपको पता ही है। तो मैं ये था कि भाई जो हल्का सा स्टिफ है जो इसका सस्पेंशन, वो स्टिफ होने की वजह से गाड़ी में कोई ज़्यादा अंदर महसूस होती है या नहीं होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो गाड़ी में कुछ ऐसा गड्ढे वड्ढे वगैरह निकलने पे जब फील तो होती नहीं है, ठीक है, बाकी हल्का फुल्का तो जर्क महसूस होता है, वो थोड़ा सस्पेंशन इसीलिए क्योंकि हाइट इसकी ज़्यादा थी, हाइट की वजह से इसका सस्पेंशन थोड़ा स्टिफ रखा गया ताकि बॉडी रोल ना बन पड़े। तो यही था कि बस सस्पेंशन में आपको, अगर आपको हो तो मैं आपको दिखा भी देता हूँ। तो सस्पेंशन इसका पहले से काफ़ी ज़्यादा बेटर हो गया है। अब पहले का मुझे पता नहीं था कि पहले कैसा आ रहा था कैसा नहीं आ रहा था, लेकिन अभी का जो सस्पेंशन है उस हिसाब से तो गाड़ी बहुत ही बढ़िया है। गाड़ी ये देखिए इस टाइप के इसके सस्पेंशन है, और अभी मेरी गाड़ी की पहली सर्विस तो अभी हुई भी नहीं है, तो पहली सर्विस हो जाने देते हैं और फिर उसके बाद में देखते हैं कि पहली सर्विस का भी मैं आपको एक वीडियो ला के दूंगा। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं आपको एक पहली सर्विस की वीडियो पूरी डिटेल में ला के दूँ कि कंपनी में जाने के बाद में कैसे कैसे क्या क्या होता है, तो मैं आपको वो भी बताऊँगा, ठीक है। तो यही था कि सस्पेंशन इसका मतलब बढ़िया है, ठीक है, जिस हिसाब से इन्होंने हाइट दे रखी उस हिसाब से इसका सस्पेंशन काफ़ी बढ़िया है, और आपको गड्ढे वड्ढे इतने फील नहीं होते हैं, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत तो आपको फील होगा ही होगा क्योंकि इसकी हाइट के हिसाब से सस्पेंशन स्टिफ कर दिए गए हैं। यही चीज़ मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सस्पेंशन इसके थोड़े स्टिफ हैं, वो भी सिर्फ और सिर्फ इसकी हाइट की वजह से, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। इसमें चलने में काफ़ी बढ़िया है, रोड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है, मैंने 120-130 तक इसको चला के देख लिया है, और इसमें ऐसी कोई दिक्कत आ नहीं रही है, ना ही कटाई करने पे दिक्कत आ रही, ना ही ब्रेकिंग में दिक्कत आ रही, किसी भी चीज़ में दिक्कत नहीं आ रही। और बाकी एक मेरे सब्सक्राइबर ने मुझे बोला था कि आप इसकी माइलेज का भी ज़रूर वीडियो बनाना, तो मैं जल्दी से जल्दी वो वीडियो भी बना के आपको दूंगा। आप मुझे कमेंट करके बताना कि मैं क्या इसकी माइलेज के टेस्ट की वीडियो बनाऊं, और दूसरी चीज़ जो इसकी फर्स्ट सर्विस जो भी हम शोरूम में जाते हैं वो करते हैं, जो फर्स्ट जनरल चेकअप होता है, बाकी सर्विस तो ऐसा कुछ है नहीं, बाकी उसकी भी अगर आप कहोगे तो फुल डिटेल में मैं वीडियो आपको बना के दे दूंगा। तो जैसा जो भी हो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और सब्सक्राइब भी कर देना। बाकी थैंक यू सो मच।